हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज संडे है और ऑलमोस्ट दोपहर हो गई है और हम घर में बैठे हुए हैं आराम से। हम नहीं, मैं बैठा हूँ। और आज सुबह हमने खेला वॉलीबॉल, बहुत बहुत ज़्यादा खेला। और इतना ज़्यादा खेला है मैंने कि मेरी टांगे जो है बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, मतलब जितने भी मेरे जॉइंट्स एरिया ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। सो इसलिए मैं अभी तक रेस्ट कर रहा था खेल के आने के बाद। मम्मी पापा भी घर पे नहीं है, मम्मी पापा गए हैं किसी के घर, किसी की तबीयत खराब थी तो उनके घर गए। अरे क्या कर रहा तू हैं? क्या हुआ, लग गई इधर? क्या कर रहा है? अबे इधर तो आ, इधर तो आ। वीडियो बननी, वीडियो इधर, वीडियो बननी इधर। हाँ हाँ भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो अपने घर क्यों नहीं है? हैं, तेरा बर्थडे तो चला आ गया, तो अपने घर क्यों नहीं गया? अब क्यों नहीं जा रहा अपने घर? पागल। अपने घर क्यों नहीं जा रहा तू? गंजे। तू तो तू है पागल। तू अपने घर क्यों नहीं जा रहा? पागल है। अपने घर क्यों नहीं जा रहा? नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? तेरे को छोड़ के आ रहा हूँ मैं कल संगम में यार। नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? सो अभी गाइज मैं घर में अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ। और मुझे एकदम होमसिक वाली फीलिंग हो रही है क्योंकि घर में कोई भी नहीं है। और मुझे हल्की हल्की भूख भी लग रही है, बट मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बनाऊँ क्योंकि घर में कुछ बनाने के लिए है नहीं। मतलब कुछ खास, मेरा मतलब ये नहीं है कि दाल चावल सब्जी, ये नहीं, ये तो घर में बहुत पड़ी है। बट मेरा कुछ ऐसा मन कर रहा है कि मतलब थोड़ा कुछ चटपटा जो बनाऊँ घर पर। एक्चुअली मेरा मन कर रहा है फ्राइड राइस खाने के लिए, बट फ्राइड राइस खाली भी काफ़ी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। फ्राइड राइस भी एकदम खाली खाली मज़ा नहीं आता उसमें, जब तक उसमें या तो वो एग फ्राइड राइस ना हो, या तो चिकन ना हो उस पे ऊपर गिरा हुआ, या फिर पनीर या फिर चाप वगैरह ऐसा कुछ, तब तक मज़ा नहीं आता। बट क्योंकि नॉनवेज मैं खा नहीं सकता हूँ और पनीर वनीर लाने का मेरा बाहर से बिल्कुल मन नहीं है। सो मैं वेट करता हूँ, मम्मी और आएगी तो बना देगी कुछ ना कुछ। तो तब तक समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, बहुत बोर हो रहा हूँ। घर पे बैठे बैठे बोर होने के बाद अब ज़रा पार्क में आओ मैं और थोड़ा टहल लें। और यहाँ पे देखो, हाँ भाई गुंडे, तू सबको मारता क्यों रहता था? सबको मारता क्यों रहता तू? तो कौन मारता है फिर? ये मारता ना, ये मारता ना। ओए ये तेरी वीडियो आ रही है बेटा, वीडियो में आ रहा तू। मेरी वॉलीबॉल की प्रैक्टिस चल रही है और मेरे पसीने से आपको लग ही रहा होगा कि मैं इतना अभी तक भागा हूँ। तो यहाँ पे अभी आलोक की प्रैक्टिस भी चल रही है। अपनी तेरी गन दिखा, नहीं गन दिखा, गन कहाँ रखी तेरी? देखा, ओरो भाई तो बिल्कुल ही बंदूक गोलियां भर रहा है इसमें। मैं बैठ नहीं सकूं क्यों? मैं दिखा रहा। अबे चला के तो दिखा, इतनी देर से बस गोलियां भरे जा रहा है। कैसे चलती है? ऐसे चलना। अबे चल, दिखा। ऐसे चलाया, ऐसे चलाना। कैसे चलाना? पैडल मारना। हाँ पे पैडल मार। ये हमें, मुझे पता है इसे पकड़, फोन पकड़। अरे कैमरे का हाथ मत ला, मम्मी तो पकड़। ऐसे उंगली मत ला कैमरे का, देख ये देख। अबे डायरेक्ट पहले पीछे में लामते को चला के दिखाओ, कैसे भर के दिखाओ कैसे चलानी है। अब दाल 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 दाल
मार। और ओ भाई साहब क्या खा क्या है बाहर से? कुछ नहीं खाया। क्या क्यों नहीं खाया? मैंने कुछ नहीं खाया। और क्या गाड़ी दिखा दे, कौन सी गाड़ी, कौन सी गाड़ी खरीदी तूने? देखा 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 मेरे को वाली कैसे कैसे फिर से करके देखा सो पिंचू तो भाई बहुत ज्यादा खुशी में लग रहा है, उसको अपनी गन मिल चुकी है और एक गाड़ी मिल चुकी है, उसी में वो बिल्कुल फौजी वाला फील ले रहा है बिल्कुल ही। और इसी के साथ मैं आज अपना ब्लॉग ख़त्म करता हूँ गाइस, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना और सपोर्ट करना इस चैनल को, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।